अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ हैदर अली शाह। आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों आज थोड़ा मैंने सोचा टॉपिक से हट के, बकरों और गायें से हट के, थोड़ा सा भेड़ वगैरह से आपको एक तोता दिखाएं अपना। ये मेरा काकाटू है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन भैया इसके साथ हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने, तो अब ये करने लगा। ये हैंड टेम है और बहुत कम होते हैं बोलने वाले काकाटू। ये बोलता भी है और हैंड टेम भी है। हाँ तो गाइज़ ये तंग कर रहा था हाथ पे। अब ये है कि ये टॉकिंग भी करता है और जो है हैंड टेम भी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये अकेला हो गया था। मतलब हमने ना थोड़ा सा इसको बातें बातें करना से ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था, तो इसने क्या करा, परेशान हो गया। अपने बाल देख रहे हैं आप, सीना इसका, अपने बाल नोचना शुरू कर देते हैं। ये इनकी नफ्सियात है। मतलब ये मेंटली तौर पे अकेले जब फील करते हैं अपने आप को, मैं आपको दिखाऊं तो ये जहाँ तक इनकी मुंह पहुँच सकता है, चोंच पहुँच सकती है, वहाँ के बाल ये नोच लेते हैं। तो इसका मैं आपको एक इलाज ही बताऊँगा। अच्छा, उसकी और कुछ वजूहत भी हो सकती हैं, सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती कि मेंटली डिस्टर्ब हो ये या परेशान हो। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, हाँ मिट्टू चुप हो जाओ, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप इसको कोई घी वाली चीज़ खिलाते हो, चिकनाई वाली चीज़ खिलाते हो, पराठा वगैरह या इस तरह की कोई घर के आइटम खिलाते हो अगर, तो उससे भी अक्सर परिंदे जो हैं वो ये अपने बाल झाड़ने लगते हैं। अच्छा, सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि ये अकेलापन जब इनको महसूस होता है तो ये ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आप इसका कोई भी चीज़ फालतू की बंद करें और सिर्फ जो सीज़न का फ्रूट आए, जितने फ्रूट सीज़न में आते हैं वो इनको दें, सही। और जब ये फ्रूट वगैरह दे दें आप इसको, तो उसके बाद मैं आपको एक मेडिसिन दिखाता हूँ। वो मेडिसिन आपको अगर अवेलेबल हो तो इंडिया पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, वैसे भी पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगी, क्योंकि आप मेडिसिन का सिर्फ फॉर्मूला देखा करें, सही है, और अच्छी कंपनी हो तो आप मेडिसिन ले लिया करें। मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो मेडिसिन भी, ये दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, सही है, नॉर्मल न्यूट्रिशंस है, अमाइनो वी प्लस के नाम से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वाइटामिन और अमाइनो एसिड्स हैं इसमें। मतलब जितनी भी चीज़ें क्या न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं एक जानवर को, एक इंसान को, वो इसमें सारे मौजूद हैं। ऐसा सिरप काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको बाज़ार में, सही है, और इसमें डोसेज भी लिखी हुई होती है किस तरह कितना देना है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लें। ये देखें आप जिस तरह से ये दिया जाता है, सही है, ये पानी में बनता है। जैसे कि अगर आपको 1 ml डलता है ये तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी में, सही है। तो मैं आपको दिखा दिया ये मैंने, ये रब्बा भी देख लें, अगर ये मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिल सके तो आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं सप्लीमेंट जो के जिसमें विटामिन सारे हों। अच्छा, कैल्शियम की कमी से भी ये होता है, तो कैल्शियम लाजमी लगाएं, सही है, और इसको सिर्फ फ्रूट पर रखें और किसी चीज़ पर नहीं रखें, सिर्फ फ्रूट पर रखें इसको, तो इंशाल्लाह ये जल्दी ये अपने रिकवर करेगा। और इसके साथ बातें करें बैठ के, सही है, इसको अकेला ना छोड़ें। जितना आप इसको अकेला छोड़ेंगे इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, जैसे कि मेरे तोते की बढ़ गई, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, सही है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, चाहिए, क्योंकि पहले ये बहुत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ये पहले, ये बहुत अच्छा तोता था, लेकिन अब बस थोड़ा सा ख़राब हो गया और बोलता भी है। मिट्टू आप बोल के दिखाओ। हाँ चले दोस्तों, और इंशाल्लाह इसकी और वीडियोस भी डालूंगा मैं। फ़िलहाल मैंने उन दोस्तों के लिए डाला है जिनके पास तोते होते हैं और उनके तोते अक्सर ही हरकतें करते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं काम। जब भी आपका तोता आपको तंग करे तो या इस तरह की कोई हरकत करे, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले से घी वाली चीज़ बंद करनी है और ये मेडिसिन देनी है और उससे बातें करनी है बैठ के, उसका डर ख़त्म करना है, सही, और इंशाल्लाह सही हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं एनिमल लवर्स पाकिस्तान।